Hello, kids. We are back with another story. And this story is not just interesting to read and hear, but we learn something very important from it. So let's dive into the story right away. The title is Real Identity, Pehchan. Once in olden times, there was a shepherd named Deep. He had a large and fine flock of sheep. It was his daily routine to take the sheep to the forest for grazing. While his sheep grazed green grass and leaves in the forest, Deep would climb up a tree and play his flute. Though he played flute, yet he was cautious enough because the forest was the abode of wild animals which could steal away his sheep any time. so he was used to open his eyes every now and then and be assured about the safety of his sheep. there are a few words today that we should look into. grazing, uh, जानवर जो घास चरते हैं ना उस चरने के action को grazing कहा जाता है. और flute पता है आपको? कभी बांसुरी सुनी है? बांसुरी को flute कहते हैं. एक और वर्ड है हम रहते हैं ना उसे अबोर्ड कहा जाता है जैसे कि यह जंगल वाइल्ड एनिमल्स का घर है जहां पे वो रहते हैं तो दीप जब भी अपनी शीप को ग्रेस करने के लिए लेके जाता था एक पेड़ पे चढ़ के फ्लूट बजाता था लेकिन बहुत चौकन्ना रहता था कि कोई जंगली जानवर आकर के उसकी शीप ले ना जाए वन डे दीप क्लाइम अप अ ब्रांच ऑफ अ ट्री एंड सेटल्ड देयर ही स्टार्टेड टू प्ले हिज हिज फ्लूट शीप पीसफुली एज ही लुक्ड अराउंड टू एंश्योर दैट एवरीथिंग वाज फाइन ही नोटिस्ड अ लायनेस विद अ न्यू बॉर्न कब लाइंग नियर बाय प्रेजेंस ऑफ द लायनेस बट देन ही ऑब्जर्व

now only he could find that the lioness was dead. he heaved a sigh of relief and turned away towards his sheep. and then a thought came to his mind. "this cub is very small and cute. he can be eaten away by some wild animals. i must protect this orphan cub." Up ki hene koto shirka bacha hai par hai तो कोई भी जंगली जानवर आके इसको मार सकता था तो दीप को उस पर दया आ गई थिंकिंग दस दीप अप द कब इन हिज आर्म्स एंड टैप इट्स हेड इन अफेक्शन हम भी छोटे बच्चों को उठाते हैं तो उन्हें थोड़ा पुचकारते हैं ना प्यार से वैसे ही दीप ने किया ही ब्रॉट हिम अप विद हिज शीप ही फेड हिम ग्रास एंड मिल्क ही टुक द कब टू द फॉरेस्ट डेली फॉर ग्रेजिंग अलॉन्ग विद हिज शीप दिस वॉज हाउ द कब ग्री अप हि शीप सो ही पिकड अप दबिट ऑफ अीप ही ब्लीटेड लाइक अ शीप एंड रैन एंड फ्राइट वेन ही वॉज अलाम्ड इवन अ लिटल ही वॉज अ कब इन बॉडी बट अ शीप इन डिमीनर डिमीनर जानते हैं मतलब कि बिहेवियर कहने को तो शेर का बच्चा था मगर शीप के बीच में पल रहा था ना तो शीप वाली ही सारी हैबिट्स और बिहेवियर उसने अपना ली आवाज उसकी शीप वाली थी खाता वो घास था और अगर कुछ भी बात पे उसको डर लगता तो शीप की तरह इधर उधर डर के भागता था देख रहे हैं ये कब डेज इज बाय वन डे बिग लाइन केम अक्रॉस दैट साइड ऑफ द फॉरेस्ट ही वॉज लुकिंग फॉर फूड एंड ही सॉ Deep's flock of sheep. As the lion roared and came near, Deep knew he could not fight with him. So he kept sitting on the branch silently while the sheep ran here and there in terror. The lion pounced upon and hunted a sheep. As he wanted to take it away to eat it at peace, he noticed the cub running away in fright. He was amazed to find a cub fleeing away in terror and bleating like a sheep. He is a blot on our mighty race, thought the lion. The lion ran after the cub and caught him in his paws. He said, Are you a fool? You are not a sheep. You are a cub, the son of a lion. A cub grows to become a lion. A lion is the king of the forest. एंड ऑल अदर एनिमल्स लिव इन पेरेनियल टेरर ऑफ हिम पेरेनियल का वर्ड जानते हैं मीनिंग मतलब हमेशा अब इस शेर को बड़ा अजीब लगा कि शेर का बच्चा है और शीप की तरह डर के भाग रहा है तो उसने उसको समझाने की कोशिश करी उसको बोला कि तुम तो हमारी पूरी जाति पर धब्बा हो तुम शेर हो बाकी जानवर तुमसे डरते हैं तुम्हें तो नहीं डर के भागना चाहिए है द कब वॉज कंफ्यूज ही ब्लीटेड लाइक अ शीप एंड सेड प्लीज लीव मी अलोन आई एम हंग्री आई वॉन्ट टू ईट ग्रास द लायन टूक अपॉन हिमसेल्फ टास्क टू मेक द कब रियलाइज हिज रियल आइडेंटिटी तो ये लायन ने अपने ऊपर ले लिया कि इस कब को इसकी असली पहचान बतानी है ही सेड डियर लिटिल कब you are a lion like myself. why should a lion bleat like a sheep and eat grass? it is a shame on our race." but the cub did not believe in the lion's words. he believed that he was only a sheep and none else. at this the lion said, "well, come with me to the river bank." however, the cub was unwilling to go. na? at this the lion held the cub by his neck and brought him forcibly to the river bank. "look at your image in the water," said the lion. the cub looked into the water. he found his image quite different from a sheep and quite similar to a lion, with the difference of only size. wala lion ye or hai. the lion said, "you are a cub and will grow into a mighty lion with. Time. The cub looked at the lion surprisingly. You not only look like me, said the lion, giving a mild roar, but also can roar like me. The cub could only bleed at first, but when the lion asked him to try, he could find his real voice. He was roaring, first mildly and then loudly. After a few efforts, he started to roar in chorus with the big lion. Presently he liked it so much that he continued to roar and roar. Now first time he learned to roar like a and he started liking it. After some time, the cub wished to go back to the flock of sheep. Your education is not yet complete, said the lion. Lions don't eat grass, they eat flesh. एंड यू आर अ लाइन अब जब वो कब वापस अपनी शीप के पास जाना चाहता था तो लाइन ने क्या कहा अभी भी तुम्हारी एजुकेशन कम्पलीट नहीं हुई है सिर्फ रोर करना सीखे हो अब ये भी तो जान लो कि लाइन्स खास नहीं खाते फ्लैश खाते हैं हाउ कैन आई गेट फ्लैश आस्ट द कब आई विल शो यू सेट द लाइन द लाइन पाउंसड अपॉन अ पासिंग डियर एंड टोर इट डियर का शिकार करके काफी उसका खाल वाल खींच दिया देन ही थ्रस्ट अ पीस ऑफ फ्लैश इन टू द कब्ज माउथ द यंग कब हुन फेड ओनली ग्रास एंड मिल्क सोफार फाउंड द टेस्ट ऑफ फ्लैश वेरी डिलिशियस ही एट अ डिलाइटफुली नॉट ओनली दिस ही हिमसेल्फ टोर अ पीस ऑफ फ्रॉम द डेड डियर एंड गेव अ लाउड रोअर एंजॉय योर एडुकेशन इज कम्प्लीट said the lion. Whenever you are hungry, hunt some animal and eat it. Never eat grass. Remember you are the prince of the forest now and you will grow to be its king. Now I take leave of you. Take care. Bhai bada raja hai na, chota sher abhi prince hai. You cannot abandon me now, said the cub. I am a kind of you, so I must accompany you with this the lion walked away with the cub who was following him closely at his heels he had discovered his real identity तो क्या देखा हमने हमारे अंदर बहुत सारी qualities बहुत सारा talent hidden होता है कभी तो हम उसे खुद ही पहचान के बाहर ले आते हैं कभी कभी दूसरे हमारी क्वालिटीज़ और टैलेंट पहचानते हैं और हमें उनसे रूबरू फेस टू फ़ेस करवाते हैं मगर कुछ ना कुछ क्वालिटीज़ सबके अंदर होती हैं